आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज पर। देखते आज की कुछ खास खबरें। राष्ट्रीय स्तर के 4 हॉकी खिलाड़ियों की MP में सड़क हादसे में मौत, 3 घायल। ध्यानचंद ट्रॉफी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने गए राष्ट्रीय स्तर के 4 हॉकी खिलाड़ियों की सोमवार को सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल है। बतौर पता चला है कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से इटारसी जा रहे खिलाड़ियों की कार की रफ्तार तेज थी, जो बेकाबू होकर NH 69 पर रैसलपुर गांव के पास एक पेड़ से जा टकराई। सिलेंडर फटने के बाद यूपी में 2 मंजिला इमारत गिरने से 10 की मौत, 12 घायल। उत्तर प्रदेश के अहमदाबाद में सोमवार को एक घर में सिलेंडर फटने के बाद 2 मंजिला इमारत ढह गई। घटना सुबह 7:30 की बताई जा रही है, जिसके कारण कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और करीब 12 घायल है। पता चला है कि 3 लोगों की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। वहीं सूचना पर पुलिस पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम राहत बचाव में जुटी है। ओडिशा में दाह संस्कार से कुछ मिनट पहले ही एक मृत व्यक्ति को जिंदा होने की घटना सामने आई है। दरअसल गंजाम जिले के सीमाचंद मलिक को जंगल में बेहोश पाए जाने के बाद मृत समझ लिया गया। रिश्तेदारों ने जैसे ही मलिक को चिता पर लिटाया, उसका सिर हिलने लगा, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और वह जिंदा पाया गया। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक हाइक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसी यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब फिलहाल वक्त चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।